हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करे कि कंफ्यूज्ड है, टेंस्ड है, तो अभी क्यों टेंशन लेना है, जब टेंशन का टाइम था अपने ले लिया है, कल एग्ज़ाम है, ने अच्छे से प्रिपेयर किया है उस एग्ज़ाम के लिए, तो क्यों टेंशन लेना है खाम का। मैंने भी आफ्टर 2-3 एग्ज़ाम्स मुझे भी रियलाइज़ हो गया था कि टेंशन के वजह से मेरा जो स्कोर है, जो मेरा परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा सा वीक हो रहा था, तो इसलिए मैंने भी टेंशन लेना थोड़ा सा कम कर दिया। तो आप लोग भी प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, और कंफ्यूजन की जहाँ तक बात है, आज रिलैक्स कीजिए। हालांकि बहुत सारे वीडियोस में यही बोलेंगे कि कल एग्ज़ाम है तो आज कुछ भी मत पढ़ाई करो, जस्ट रिलैक्स करो, जबकि ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। मैंने भी एग्ज़ाम के पहले जो मुझे लगता था, यार ये थोड़ा सा देख लूँ, ये चैप्टर को थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लूँ, तो अगर आपको भी लगता है तो करिए, बट अगर आप अपने माइंड को पूरा फ्री रखेंगे आज के दिन तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज जितना आपको तैयारी करना था आपने कर लिया है, अब कन्फ्यूजन की कोई बारी नहीं है और टेंशन नहीं लेना है। कल जाके आराम से अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और जब आप जानते हैं कि टेंशन एग्ज़ाम को ख़राब कर सकता है, तो क्यों जानबूझकर अपने एग्ज़ाम को ख़राब करना है आप लोगों को। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, कुछ सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा। मैंने एक वीडियो में उस सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट दे दिया था, प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड किया था, तो आप लोग चाहे तो वो सुन सकते हैं। मेरे लिए तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा था। और कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, स्पीड, इन सबको माइंड में रखते हुए आपको अच्छे से कल पेपर देना, एंड ओवरऑल माइंड को फ्री रखिए जितना हो सके। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, कल जाके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।